नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगेन वन मोर वीडियो फ्रॉम आवर होम। तो स्विफ्ट CNG लॉन्च हो चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और जो कोई लोग CNG गाड़ी लेने वाले। हाँ, एक कंसर्न है, CNG प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, फिर भी ऑप्शन अगर हमें मिले तो क्या ही बात। ओके, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। जी हाँ, मार्केट में कंपटीशन होना ही चाहिए। नाउ स्विफ्ट CNG लॉन्च हो चुकी है दो वेरिएंट्स में, VXi एंड ZXi में। तो मैं पहले प्राइस आपको बता देता हूँ। VXi की एक शोरूम प्राइस है 7,77,000, ZXi की एक शोरूम प्राइस है 8,45,000। ये दोनों गाड़ियाँ CNG में अवेलेबल है। अब बात करेंगे इसके मेन पावर फिगर्स एंड माइलेज के बारे में। आपको मालूम है स्विफ्ट में कौन सा इंजन मिलता है? एडवांस के सीरीज का ड्यूल इंजन मिलता है जो कि BS6 कंप्लायंट रहने वाला है 1200cc का 4 सिलेंडर में। अभी ये CNG जो है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हैचबैक सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल रहने वाली, यानी इसका जो पावर फिगर्स है वो हमें लगभग 77 BHP पावर मिलती है एंड 98.5 Nm का टॉर्क ये गाड़ी में जनरेट किया जाता है। तो इससे अपनी जो स्विफ्ट CNG है मोस्ट पावरफुल बन जाती है। दोस्तों अगर माइलेज की बात करेंगे तो जी हाँ दोस्तों, 30.90 किलोमीटर पर KG का माइलेज गाड़ी ये देती है स्विफ्ट CNG, और ये ऑफिशियल क्लेम किया गया है, यानी मोस्ट पावरफुल मोस्ट इफिशियंट स्विफ्ट CNG रहने वाली है। तो इस गाड़ी लॉन्च होने से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बनने वाला है। अगर हम बात करेंगे CNG, दोस्तों मारुति की गाड़ियों की ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया रहती है, फैक्ट्री फिटेड CNG रहने वाला है, और जो टेक्नोलॉजी है वो है इसकी CNG टेक्नोलॉजी दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई है। लेकिन अगर प्राइस बात करेंगे कंपेयर टू नियॉन एंड टियागो, जी हाँ दोस्तों, ये कॉस्टली भी है, मोस्ट पावरफुल भी है, मोस्ट इफिशियंट भी है, बट दोस्तों कॉस्टली भी है। अगर हम आपको ये वीडियो में ये भी पता चलेगा कि VXi एंड ZXi में से कौन सी बेहतर है आपके लिए, क्या फीचर्स मिलते हैं। देखो, पेट्रोल वेरिएंट्स के सारे जो फीचर्स है वो इसमें मिलने वाले हैं ऑलमोस्ट। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो VXi में आपको फ्रंट में हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा हैलोजन में, उसमें कोई भी आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलता। देन जो रिम्स है वो 14 इंचेस के स्टील रिम्स हमें देखने को मिलेंगे। बॉडी कलर में आपको ORVM देखने को मिलेगा, उसके ऊपर इंडिकेटर, रियर में LED टेल लैंप्स मिलेंगे, पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। अगर हम VXi की बात करें एक्सटीरियर से, ZXi की बात करेंगे एक्सटीरियर से, तो हमें उसमें एक मिल जाएगा फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। ओके, और इसमें हमें 15 इंचेस के एलॉयज देखने को मिलेंगे, नॉर्मल एलॉयज देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें हमें एलॉयज देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर में आपको 2D म्यूजिक सिस्टम मिलेगी, मैनुअल AC मिलेगा एंड नॉर्मल स्टेयरिंग आपको देखने को मिलेगा VXi में। ओके, एंड ZXi की बात करेंगे तो उसमें हमें स्टेयरिंग है वो लेदर रैप मिलेगा, देन स्मार्ट प्ले की ऑडियो सिस्टम मिलेगी, उसमें नेविगेशन रहेगा इनबिल्ट, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले रहेगा, देन उसके साथ साथ वॉइस कमांड का बटन रहेगा, उसके साथ साथ ऑटोमेटिक AC मिलेगा, पुश स्टार्ट बटन का भी ऑप्शन हमें ZXi में देखने को मिलने वाला है जो कि VXi में अवेलेबल नहीं है। ZXi में हमें रिमोट कीज देखने को मिलेंगी एंड VXi में हमें अपने नॉर्मल मैकेनिकल रिमोट की देखने को मिलेगी। दोस्तों ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ड्यूल एयरबैग इसमें हमें देखने को मिलने वाला है। सेफ्टी के मामले में दोस्तों स्विफ्ट नहीं है, 2-स्टार ही लाए है। इंजन इमोबिलाइजर, डेनेट रियर व्यू मिरर, ये तो सारे सेफ्टी फीचर इसमें मिलते हैं। जो एक डिफरेंस है VXi एंड ZXi में वो आपको मिलने वाला है। VXi में दोस्तों हमें एंटी पिंच विंडो नहीं मिलता, वेर एज ZXi में आपको वो मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का। अगर हम और आगे बात करेंगे तो जो ZXi एंड VXi में मेजर डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स हमें ZXi में मिलेंगे, वेर एज वो VXi में हमें देखने को नहीं मिलने वाले। VXi में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, लेकिन उसे फोल्ड नहीं कर सकते। VXi में डीफॉगर, वाइपर, वॉशर नहीं मिलने वाला, वेर एज ZXi में आपको वाइपर, वॉशर एंड डीफॉगर देखने को मिलने वाला है। रेड, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, ग्रे एंड सिल्वर, ये 6 कलर ऑप्शन हमें दोनों वेरिएंट में देखने को मिलने वाले। तो जो प्राइसिंग है दोस्तों वो ज़्यादा है, लेकिन है हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि स्विफ्ट CNG फाइनली लॉन्च हो चुकी है। और ये तो था क्विक वीडियो, कंफर्म वीडियो की गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। उसका जो ऑफिशियल वेटिंग पीरियड है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी 2 मंथ्स का तो डेफिनेटली रहने वाला है। अगर आपको स्विफ्ट CNG चाहिए महाराष्ट्र में किसी भी कोने से तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाले। जैसे ही गाड़ी शोरूम आएगी मैं उसका वीडियो अपने चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।